स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूँ अरविंद और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को। बढ़िया, आप देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, आज का इस वीडियो में देखने वाले हैं हुक्स लॉ किसके लिए, तो सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है, फिजिक्स जनवरी का क्लासेस है, बिलोंग भाव यूनिवर्सिटी के लिए देखने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो इलास्टिसिटी का बन चुका है, उसमें आपको पूरा डिटेल बताया गया इलास्टिसिटी क्या होता है। इसमें वही सब चीज़ का यूज करेंगे, वीडियो हो सके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आज देखने वाले हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता क्या है, हुक्स लॉ समझने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, उसका नाम है इलास्टिक लिमिट। क्या नाम है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक प्लास्टिक का नेचर इसके बाद ही आता है। उसमें क्या होता है, यदि किसी बड़ी को हमने खींच दिया, पिछले वीडियो में बताया था, यदि किसी बड़ी को मैंने स्ट्रेस लगाया, फोर्स लगाकर खींच दिया, उसका शेप में चेंज होता है। यदि फोर्स को छोड़ दें और यदि वही बड़ी वही डायरेक्शन में आ जाता है जिस प्रकार पहले था, तो उसको कहेंगे इलास्टिक इलास्टिक बॉडी। ठीक है, अब यदि नहीं हुआ तो उसको प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। ठीक है, इलास्टिक लिमिट एक ऐसा लिमिट है, इसके बाद जो है जहां तक पार्टिकल को खींचें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे रबड़ को मैंने खींचा, रबड़ को खींच दिया और छोड़ दिया, फिर वही शेप मार, फिर खींचा, फिर छोड़ा, वही शेप मार। यदि एक समय ऐसा खींचा, ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ, उससे ज्यादा खींचने के बाद रबड़ फिर वही शेप मार नहीं आता है। यदि इस प्रकार रबड़ है, मैंने खींचा और फिर छोड़ा तो वही शेप मार गया, फिर खींचा ज्यादा और फिर छोड़ा, अब की बार ज्यादा खींच दिया इतना दूर, ठीक है, और फिर छोड़ा, ठीक है, तो अब की बार छोड़ने के बाद वो यहाँ तक नहीं आकर के यहीं तक आ जाता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा दूर फैल जाएगा। तो ये फैलने से पहले जो फोर्स लगाए थे उससे पहले तक, वहां तक के लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, अब बात रहेगी हुक्स लॉ कहता क्या, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये देखते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, हुक्स लॉ बोलता है ये इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए जहां से बॉडी का साइज में ज्यादा चेंजिंग हो जाए और हमेशा के लिए चेंजिंग रहे। इलास्टिक लिमिट के अंदर यदि हम स्ट्रेस को बढ़ावें, मतलब फोर्स को बढ़ावें, तो उसी के हिसाब से चेंजिंग भी उसमें आएगा। इसका मतलब ग्राफ से समझिए, यदि इधर स्ट्रेस है, क्या है, इधर स्ट्रेस है, इधर क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, ऊपर की ओर, ऐसा नहीं उधर, इधर स्ट्रेस है, इधर स्ट्रेन है, ये ओरिजिन है। यदि मैंने पहली बार स्ट्रेस इतना लगाया, यहाँ पे कुछ न्यूटन है, 1, 2, 3 करके फोर्स है न्यूटन वाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, फोर्स है, और ये स्ट्रेन का कोई यूनिटी नहीं होता, ठीक है, वो चेंजिंग है सिर्फ। ठीक है, यहाँ मैंने फोर्स लगाया तो इधर भी स्ट्रेन जो होगा वो एक यूनिट ही होगा इस प्रकार से। फिर मैंने यहाँ फोर्स लगाया तो इधर का जो स्ट्रेन पैदा होगा वो भी इतना ही होगा। थर्ड में यदि स्ट्रेस लगाया, इतना दूर का स्ट्रेस लगाया 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर भी जो चेंजिंग होगा वो 3 होगा। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल रहता है। कब? इलास्टिक लिमिट के अंदर में, उससे बाहर गया तो बॉडी ज्यादा चौड़ा। एक कंडीशन और रहता है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। यदि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है तो क्या होगा, कम खींचेंगे और ज्यादा कम फोर्स में ज्यादा खींचा जाएगा। टेम्परेचर यदि ज्यादा है, गर्म किया हुआ रस्सी को गर्म किया हुआ यदि हमने रड को खींचा तो वो जल्दी खींचा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है। अंडर द इलास्टिक लिमिट टू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है आपको मैंने बताया था। ठीक है, वो बोलता क्या है कि अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोवाइडेड टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट। आप तो प्रोवाइडेड नहीं लिखेंगे तो लिखते हैं एट क्या, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या बोलता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, स्ट्रेन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस लिख दिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, यहाँ मैंने लगा दिया ई, एक कॉन्स्टेंट है, इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ई मैंने अपन मनगढ़ कहानी लगा दी, ई एक कॉन्स्टेंट है, तो कौन कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है,
क्या है वो, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं ई। ओके ठीक, इसको कभी कभी कहते हैं ई इज कॉल्ड, लिख देते हैं यहाँ पे ई इज कॉल्ड इलास्टिक कॉन्स्टेंट। क्या कहते हैं इसको, इलास्टिक कॉन्स्टेंट। अब ये इलास्टिक कॉन्स्टेंट कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे हम कुछ देर बाद। इसका ग्राफ यदि आप देखना चाहते हैं तो इस प्रकार देख लीजिए, इधर हम स्ट्रेस रखें, क्या रखें इधर स्ट्रेस, ठीक है, इधर क्या रखें, इधर रखते हैं स्ट्रेन, क्या रखते हैं इधर स्ट्रेन, दोनों के बीच का ग्राफ जो होगा वो सीधा जाएगा। कब तक, इलास्टिक लिमिट के अंदर तक, उससे बाहर नहीं जा सकता। ये हुक्स ला है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन सिलेबस में है, ठीक है। कुछ देर बाद बताते हैं क्या होता है इसका टाइप। इसका भी तीन टाइप होता है, कितना टाइप होता है, तीन टाइप, ठीक है, रखिए रुकिए, धन्यवाद। हाँ तो बता रहे थे इलास्टिक कॉन्स्टेंट, मतलब हुक्स ला बताए थे अभी, उसमें बताए थे कि ई नाम का एक कॉन्स्टेंट आता है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, इलास्टिसिटी, ऐसे कुछ भी रहता था। अब इसका टाइप देखना है, क्या देखना है इसका टाइप, मुझे पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स पढ़ाने में ये सब, इलास्टिसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता देखते हैं, पहले पहले मैंने एक वायर ले ली, इसका ऊपर भाग फिक्स कर दिया, इसको मैंने कोई फोर्स लगाया यहाँ पे वेट, ठीक है, एफ नाम का फोर्स लगाया, इसका जो एरिया का क्रॉस सेक्शन है इसका वायर का वो एरिया है, तो ये स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब इसको लगाने के बाद क्या होता है फिर से देख लेते हैं, लगाने के बाद यहाँ था, अब थोड़ा दूर यहाँ तक आ जाता है, पहले इसका लेंथ एल था, अब डेल्टा एल और ज़्यादा बढ़ गया, तो स्ट्रेन कितना पैदा हुआ, ये तो स्ट्रेस हुआ, क्या हुआ स्ट्रेस, स्ट्रेन कितना हो गया, स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। अभी डेल्टा एल अपॉन एल जो हो गया स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। अभी कुछ देर पहले बताया था मैं हुक्स ला, वहाँ बताया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चार प्रकार का होता है, वो चार में पहला प्रकार है ही, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग गामा से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे गामा से, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो सकता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो ये किस प्रकार का स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, क्या लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस लिखें यहाँ पे, नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है, ये हो गया इसका वैल्यू, और नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू पुट करें कितना आएगा एफ बाय ए, स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, इसका मतलब एफ बाई ए इंटू एल बाई एल डेल्टा एल, ये हो गया वाई का वैल्यू, ठीक है, गामा का वैल्यू हो गया। इस प्रकार से पहला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस प्रकार होता है, किसमें होता है हमेशा नॉर्मल में होगा यंग्स, इसके बाद जो होता है शियरिंग में टेंजेंशियल में उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इसका नाम है ईटा, ठीक है। और इसमें क्या होता है रिजिडिटी मैंने बताया था इस प्रकार से, कोई बॉडी है क्यूब है, क्या है वो क्यूब है, इससे पिछला वाला वीडियो में बताया था क्या है वो क्यूब है, ठीक है, जिस प्रकार वीडियो बन रहा है, ठीक है, इसका इस पार्ट को हम कंजर्व पकड़ के रखें और इधर से एक फोर्स लगा दिए, ठीक है, तो ये क्या होता है चेंज आ जाता है, इसमें क्या होता है ये चेंज आ जाता है, कितना एंगल चेंज हुआ थीटा, यदि ये लेंथ एल है चेंज होता है यहाँ पे डेल्टा एल, तो स्ट्रेन कितना होता है, अभी कुछ देर पहले तो पिछला वीडियो में बताया था डेल्टा एल बाय एल, स्ट्रेस कितना होता है स्ट्रेस वही फोर्स बाय एरिया, लेकिन एरिया किसका होना चाहिए ये वाला, और फोर्स जो मैंने इधर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके रेशियो को क्या बोलेंगे, इसके स्ट्रेन स्ट्रेस को रेशियो को क्या बोलेंगे, किसका स्ट्रेस, तो बोलेंगे यहाँ टेंजेंशियल, क्या लिखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन, ये सब स्ट्रेस स्ट्रेन कहाँ से आ रहा है देखने के लिए पिछला वीडियो को देखना ही होगा,
ठीक है, पार्ट वन का डिस्क्रिप्शन लिंक में है, इसका स्ट्रेस एफ बाई ए हुआ बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल हुआ, ठीक है, एफ बाई ए इंटू एल बाय डेल्टा एल, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। थर्ड पार्ट लेते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वहां जो रेशियो मिलेगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, के से, ठीक है। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें होता क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार से एक टैंक है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, या तो वाटर है या तो कोई लिक्विड है, उसको मैं हर जगह से कंप्रेस कर दिया फोर्स लगा करके, इसका जो एरिया है वो ये है, तो फोर्स बाय एरिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हुआ, कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। और ये जो है क्या नाम इसका बोलते हैं, इसमें जो वॉल्यूम था पहले भी था, ठीक है, अब वॉल्यूम कुछ घट गया, कितना घटा, डी भी, तो चेंज वॉल्यूम में जो हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना चाहे तो, स्ट्रेन निकालना चाहे किसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, तो डी भी चेंज हुआ, एक्चुअल में भी था, तो ये दोनों का रेशियो को बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे, मतलब के इज इक्वल टू क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एफ बाई ए होगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डी वी बाई वी, ठीक है। तो ये हो गया के का मतलब। एक चीज का और मतलब इसको कहते हैं पॉइजनस रेशियो, वो भी हमेशा यूज पड़ेगा, चलिए मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन को बताया था, क्या क्या बताया था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके लिए यूज होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चौथा बता रहे हैं जिसका नाम है पॉइजनस रेशियो, क्या नाम है, पॉइजनस रेशियो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी सिलिंड्रिकल रॉड ले लिया मैंने, सिलिंड्रिकल रॉड ले लिया इस प्रकार से, ठीक है, इसका ऊपरी भाग को मैंने फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया ऊपर में, फिक्स कर दिया, नीचे से मैंने फोर्स लगाया, इस प्रकार फोर्स लगाया कि ये चेंजिंग हो गया, तो चेंजिंग हो गया तो इसका सीधे सीधी इधर ही चेंजिंग नहीं होगा, ये डायमीटर से भी थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होते हुए आएगा, पिछला वीडियो में भी थोड़ा बताया था इसको, डायमीटर से चेंजिंग होते हुए, इसका डायमीटर यदि 2D ले लेते हैं, ठीक है, इधर से डेल्टा डी चेंज हुआ, इधर से भी डेल्टा डी कम हुआ, ठीक है, इसका लेंथ यदि था एल और यहाँ डेल्टा एल थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। तो रेशियो लेटरल में होता है, इसको बोलेंगे हम लोग पॉइजनस रेशियो, है ना, इसका डिफिनेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन इसमें कितना निकलेगा, निकालने के लिए यहाँ पे देखते हैं, लेटरल का मतलब होता है पार्श्व, पिछला वीडियो में भी बताया था, पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है इस साइड जो बनावट का साइड है वो, ठीक है, इसमें यदि कुछ कमी आया तो लेटरल का जो स्ट्रेन होगा, तो लेटरल स्ट्रेन निकालते हैं हम लोग, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। चेंज कितना हुआ, इधर से डेल्टा डी, इधर से डेल्टा टी, 2 डेल्टा डी, टोटल कितना था 2D, इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा डी बाई डी, नहीं लिख सकते क्योंकि इसका डायमीटर 2D, ठीक है, नहीं लिख सकते। फिर बोलता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना बार निकाले उसका गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार वो निकालते हैं, देखिए टोटल लेंथ था पहले एल, लेकिन अब चेंज हो गया और आगे उसमें थोड़ा सा बढ़ गया डेल्टा एल, तो चेंज हुआ डेल्टा एल बाय टोटल कितना था एल, तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजनस रेशियो का रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग सिग्मा से, ठीक है, और तो सिग्मा बराबर क्या बोलता है डिफिनेशन से, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन
मतलब इसका बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ मतलब इसका, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डेल्टा d / 2d / (L/L). ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा, इसका यूज करेंगे। और एक और आ गया इसमें, इसका नाम है सिग्मा। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये चारों के बीच का रिलेशन VBI है, पिछले साल नहीं पूछा था, अब की बार पूछेगा, ये गारंटी है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा वीडियो में देखेंगे ये चारों का, चार रिलेशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समाप्त करते हैं, ये आपके सिलेबस में है। धन्यवाद।